विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से रविवार को कोटा दशहरा मैदान में विराट महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक तथा संस्थापक सुशील कुमार ओझा, CWC सदस्य आनंद शर्मा सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। सुशील कुमार ओझा ने बताया कि हाड़ौती से उठने वाली आवाज की गूंज पूरे राजस्थान प्रदेश में सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में ब्राह्मण स्वयं के अंदर और समाज में अपेक्षित बदलाव लाने के बारे में चर्चा की गई। वहीं CWC सदस्य आनंद शर्मा ने कहा कि समाज में हर वर्ग की अपनी पहचान है, ब्राह्मणों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम बदलने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ लाल डायरी को लेकर आनंद शर्मा ने कहा कि पहले भाजपा खुद का रंग और डायरी देखे, फिर बात करे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। जैसे समाज में हर वर्ग की एक अपनी पहचान है, एक अपनी भूमिका और योगदान है, वहीं भारत के समाज में ब्राह्मणों का भी एक स्थान महत्वपूर्ण है। इसीलिए कुछ बातें जुड़ी हैं वहाँ की, यहाँ संस्थाओं से, बच्चों की शिक्षा से, स्कॉलरशिप से, रिजर्वेशन से, EWS से, वो समाज की तरफ से उठाई गई हैं और वो सही मंच पर उसको प्रस्तुत भी किया जाएगा और बात आगे रखी जाएगी। एक अच्छा कार्यक्रम है और जिसकी सराहना होनी चाहिए। ये दलगत राजनीति से ऊपर है, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज की और देश की शक्ति की बात करते हैं। सर, मेडिकल कॉलेज के लिए भी एक प्रस्ताव है, ये मांग आई है और ओझा जी ने भी कहा, भाग जी ने भी, गौरव ने भी, सबने उसका समर्थन किया है। तो सार्वजनिक है, उस पर ज़रूर हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। मैं कोटा आया हूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मांग रखी गई है इतनी मजबूत आवाज़ में, ये शिक्षा की नगरी है, उस बात को मैं आगे पहुँचाऊँ। सर, लाल डायरी को लेकर भी लगातार मुद्दे उठाते जा रहे हैं, अमित शाह चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो और क्या उम्मीद कर सकते हो। पहले अपनी डायरी तो देख लें, उसके रंग देख लें। चले, पूरे ब्राह्मण समाज के सहयोग से तैयारियां चल रही है। राजस्थान की धरती में हाड़ौती कोटा में पहली बार विराट महाकुंभ की घोषणा हुई है। ब्राह्मण समाज अपनी दिशा दशा दोनों बदलने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए मुट्ठी बांध के खड़ा हो चुका है। ब्राह्मण समाज अपनी सारी मांगें उठाई है। जिस अनुपात में हम राजस्थान में हैं, उस अनुपात में हमारा ध्यान रखा जाए, अन्यथा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हाड़ौती की धरती में पहले 7 विधायक हुआ करते थे, आज 2 हैं। हर जिले में हमारी एक विधायक की मांग है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विप्र बोर्ड का गठन एक तो एक राजस्थान में है, इस तरह एक विप्र बोर्ड का गठन दिल्ली में भी हो, जो हमारे एक भाई वहाँ भी बैठे।